तो हाय दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों एक यहाँ पे छोटी सी खुशखबरी की बात है कि बीएड फाइनल ईयर के छात्रों के भी खुलेंगे परीक्षा फॉर्म। यानी कि दोस्तों अगर मैं इसमें डीपली से बात करना चाहूँ तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है 21 तारीख से जितनी भी बैक आई थी, और हालाँकि बैक तो छोड़ो जिन्होंने अभी पेपर भी नहीं दिया था बट एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, उनके दोबारा से एक परीक्षा कराने की एक अनुमति दे दी थी यूनिवर्सिटी ने। यानी कि एक बहुत अच्छी खबर भी थी कि जिन्होंने, जैसे कि आपने थर्ड ईयर, ओनली बात करने वाला हूँ थर्ड ईयर की, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तो प्रमोट हुए हैं, बात करने वाले थर्ड ईयर की, चूँकि थर्ड ईयर वाले पेपर हुए थे उनके, और जिनकी बैक आई थी उनको दोबारा से यूनिवर्सिटी ने मौका दिया था बैक फॉर्म भरने का। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म, तो हालांकि आपको पता है एग्ज़ाम फॉर्म जनवरी फरवरी में भरे गए थे जबकि कोरोना का टाइम चला था मार्च के लगभग, तो ऐसे स्टूडेंट जो जिन्होंने एक भी परीक्षा नहीं दी थी यूनिवर्सिटी ने उनको भी एक ओपन कर दिया था कि आप भी अपनी परीक्षाएं दे सकते हो। हालांकि आपको परीक्षा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पर। और आपको बता दूं कि कल से यानी कि 21 तारीख से जो बैक एग्ज़ाम फॉर्म थे वो मतलब ओपन हो गए थे, और 28 तक उनकी मतलब सब प्रोसेस जो भी है करनी है, फाइनल प्रिंट 28 तक लेना है, उसके बाद दो दिन आपको कॉलेज में जमा करना है। दोस्तों यहाँ पे एक खुशी की बात ये है कि जो मैं बात करना चाहूँगा बीएड की, तो बीएड फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के भी परीक्षा फॉर्म खोलने पर विचार कर रहा है। इसमें बैक के अलावा ऐसे छात्र भी शामिल हो सकेंगे जो कोविड-19 के कारण परीक्षा में किसी कारण से सम्मिलित नहीं हो पाए थे। दोस्तों यहाँ पे यही खुशी की बात है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मतलब सेम कंडीशन है, जिन्होंने बीएड के पेपर नहीं दिए थे बट एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, अब वो भी दोबारा से आपको पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे डबल बोनस है, आपने पहले ईयर का भर रखा था एग्ज़ाम फॉर्म बट पहले ईयर में नहीं दे पाए थे, जबकि उसी ईयर के यूनिवर्सिटी अब दूसरी बार करा रही है, मतलब वो ईयर जिन्होंने पहले किए वो पास हो गए, वो तो छोड़ो जो पेपर नहीं दे पाए थे पर एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, यानी पिछले साल का इस साल रिकवर हो जाएगा आपका, टोटली कम्प्लीटली पेपर हो जाएंगे इस बार, मतलब बीएड के विचार कर रही है। अब ये कन्फर्म न्यूज नहीं है, मतलब है तो कन्फर्म विचार करने का बट कोई डेट फिक्स नहीं की गई है कि हाँ जरूरी खुलेंगे, बट यूनिवर्सिटी विचार कर रही है इस पर। अगर ऐसा होता है तो बहुत फ़ायदा होगा, बैक वालों का भी फ़ायदा होगा, और ये मतलब जिन्होंने मतलब बिल्कुल ही नहीं दिया था उनका तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो दोस्तों अभी तक के लिए यही न्यूज थी बीएड के लिए, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।